हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी मित्रा पर स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि एनटीपीसी सीबीटी 1 के आंसर की रिलीज हो गई है, तो जिन भी कैंडिडेट ने इसके आंसर की चेक नहीं किया है वो जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसका लिंक मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल रखा है मैंने, आप वहाँ से जाके आप इसको चेक कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, तो वहाँ से भी जाके आप इसको चेक कर सकते हो। तो इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं कि जो एनटीपीसी टायर 1 है, सीबीटी 1 है, इसके अंदर आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपकी कैटेगरी वाइज रैंक क्या रहने वाली है, शिफ्ट वाइज रैंक क्या रहने वाली है, ऑल इंडिया रैंक अभी आपकी क्या चल रही है, और आपका नोबलाइजेशन आफ्टर नोबलाइजेशन स्कोर क्या रहेगा। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में अपन ये पूरी डिस्कस करेंगे और स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा आपको कैसे चेक करनी है। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए मैंने क्या किया, टेलीग्राम पे लिंक डाल रखा है, ये लिंक आपको बता दूं कि ये क्या है, इसका सोर्स क्या है, रैंक आई क्यू द्वारा बनाया गया है। ठीक है, रैंक आई क्यू द्वारा इसके तरह बनाया गया है, और इसके आपको घबराने की बात नहीं है, इसके अंदर आपका ऐसा कुछ डेटा वेटा जो नहीं चोरी होगा। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल बेफिक्र आप इसको चेक कर सकते हो। इसको चेक करने के लिए क्या करना है, आपको सबसे पहले इस लिंक पर आपको क्लिक करना है। ठीक है दोस्तों, क्लिक करने के बाद है ना, आपके पास क्या है, ऐसा इंटरफेस ये ब्राउज़र के अंदर खुलेगा। ठीक है, ब्राउज़र के अंदर खुलेगा ना, ये थोड़ा लोड हो रहा है। इसके बाद आपको क्या करना है, जो ये ऑप्शन दिख रहा है ना, डाउनलोड योर आंसर की फॉर्म वेयर, ठीक है, यहाँ आपको क्लिक कर देना है। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, इसके बाद ये ऐसा आपका फर्स्ट इंटरफेस खुलेगा। ठीक है, तो इसके अंदर जो आपके क्या है रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह जो है ना, वो आपको यहाँ पे लगाना है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर और जो आपके डेट ऑफ बर्थ है वो लगानी है। ठीक है दोस्तों, जैसे मेरे पास किसी कैंडिडेट के कैंडिडेट ने भेजा मेरे को, मैंने उसकी लगा दी है। अब आप देख लेना अपने आप, ये क्या है, ऐसा बूट है बनाया गया रैंक आई क्यू के द्वारा, जिसके द्वारा आपके सही गलत कितने अपने आप काउंट कर लेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसके अंदर क्या ऐसा, इसके बाद ऐसा इंटरफेस खुलेगा, फिर आपको यहाँ ऑल पे क्लिक करना है, फिर कैंडिडेट रिस्पॉन्स पे क्लिक करना है, फिर क्लिक डाउनलोड आंसर के लिए क्लिक आपको यहाँ करना है। ठीक है, इतना करने के बाद आपको क्या करना है, इसका है ना जो आप ये देखो कि ऐसा इंटरफेस आपके पास खुल जाता है। ठीक है दोस्तों, अब आप क्या करना है, जो यहाँ पे लिंक दिख रहा है ना, ये वाला, इसको आपको क्या कॉपी कर लेना है। ठीक है दोस्तों, कॉपी लिंक पे कर देना है। ठीक है, ये कॉपी कर लिया, अब आपको क्या करना है, जो लिंक मैंने आपको प्रोवाइड किया था ना, वापस वहाँ पे जाना है। ठीक है, वापस आप लोग यहाँ पे आ गए। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद वापस इस पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपके पास वापस वही खुलेगा। अब आपको क्या करना है, ये आपने जो कॉपी किया ना ये वाला, इसको यहाँ पे पेस्ट करना है। ठीक है, मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, इसके बाद आपकी क्या कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, या फिर कैटेगरी कौन सी है, जैसे ओबीसी कैटेगरी, तो आपने ओबीसी डाली। ठीक है, आप और इसके बाद आपको सेलेक्ट जोन करना, आप कौन से जोन से हो, आपको जोन के एकदम सही कलेक्ट चूज करना है। ठीक है, जिससे क्या होगा, आपकी जोन वाइज रैंक आपको पता चल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो जैसे मैंने अलावा सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे कोई भी कैरेक्टर लगा सकते हो, 1 2 3 4 ABCD कुछ भी, जैसे मैंने ABCD लगा दिया यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद मैंने सबमिट कर दिया। ठीक है, उन्होंने ये वार्निंग दी है कि योर कैटेगरी एंड जोन कैन नॉट बी चेंज आफ्टर सबमिटिंग क्लिकिंग सबमिट टू द प्रोसेस। ठीक है, मतलब आपने अगर एक बार इसको सिलेक्ट कर दिया तो वो चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, फिर आपने सबमिट कर दिया, ये थोड़ा सा टाइम लेगा, 1-2 सेकेंड, फिर आपका क्या नीचे देखो कैसा आएगा, बता देता हूँ आपको, नीचे जैसे इस टाइप का आ जाएगा। ठीक है, मतलब आपने क्या है, कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे आपने, 85 अटैम्प्ट किए थे, इसके करेक्ट क्या 76 है और 9 के रॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, देखो अपने आप चेक हो गया, अपने को ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ी। ठीक है, और उसके बाद आप देख सकते हो ये 73 मार्क्स बन रहे हैं, ये तो क्या है, सीधे रो स्कोर है। इसके बाद आप क्या कर सकते हो, इसके नीचे स्क्रोल करोगे तो आप देख सकते हो अपने ये पूरी आंसर की आ जाएगी। ठीक है, आपने कौन सा किया आप देख सकते हो उसको। अब आपको क्या इसकी रैंक चेक करनी है। ठीक है, रैंक चेक कैसे करोगे, तो यहाँ पे कैसा ऑप्शन आएगा, क्लिक हेयर टू चेक योर रैंक, इस पर आप क्लिक कर दोगे। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद आपको ऐसा कुछ दिखेगा, तो यहाँ पे आपने जो पहले पासवर्ड डाला था ना, पहले पासवर्ड डाला था, वो आपको सेम डालना है, जैसे मैंने ABCD डाला था, ABCD। ठीक है, तो अब आप इस पर क्लिक कर दोगे। ठीक है, क्लिक करने के बाद क्या होगा, इस पर आप लॉगिन कर दोगे। ठीक है, लॉगिन करने के बाद थोड़ा सा वेट करोगे, फिर आपके पास ऐसा खुल जाएगा। ठीक है, तो आप इसमें देख सकते हो रैंक आफ्टर नॉमिनेशन। ठीक है, नॉमिनेशन के बाद इन कैंडिडेट की रैंक है, उन ये क्या है, जो उसका जोन है ना, उसी जोन से ये कैंडिडेट है, 1991। ठीक है, उसकी 93 रैंक है। इसके बाद ऑल इंडिया रैंक आप देख सकते हो, 11417 कैंडिडेट में जिसकी 1212 रैंक है। इसके बाद रैंक बिफोर नॉमिनेशन आप देख सकते हो, नॉमिनेशन का उन्होंने फॉर्मूला वही अप्लाई किया है जो रेलवे ने ऑफिशियली दे रखा है। ठीक है दोस्तों, इसका पूरा एल्गोरिथम बना के इसके बाद सेट किया गया है, रैंक आई क्यू के द्वारा इसको बनाया गया है। तो आप इनके टेलीग्राम चैनल को भी इसको जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो, इनके आप देख सकते हो रैंक बिफोर नॉमिनेशन क्या है, 251 है 1991 में से, और आफ्टर क्या है 93 है। देखो ठीक है दोस्तों, तो ये लगभग 3 गुना इसकी कम हो गई। ठीक है, कैटेगरी रैंक आप देख सकते हो, ये कैटेगरी रैंक वो है जो इसके सिर्फ इलाहाबाद जोन से है ना, उन कैंडिडेट के है, मतलब 803 कैंडिडेट है अभी, उसमें से इसकी
32 है, ठीक है। अब शिफ्ट वाइज रैंक आप देख सकते हो, तो उसके शिफ्ट वाइज रैंक क्या है इसकी, इसकी जो शिफ्ट थी ना इसके अंदर क्या 993 कैंडिडेट ने पार्टिसिपेट किया इस सर्वे के अंदर, उसमें से इसकी 138 रैंक है। दोस्तों अब आप देख तो आपको इसके नॉमिनेशन स्कोर क्या है, नॉमिनेशन आप देख सकते हो यहाँ पे क्या 73 था, नॉमिनेशन स्कोर इसका बढ़ के क्या हो गया 90.44619, ठीक है। जैसे रेलवे के अंदर होता है, एस एस सी के अंदर होता है, सेम वैसे इसके अंदर नॉमिनेशन है। तो दोस्तों आप इसको स्टेप बाई स्टेप चेक कर सकते हो और मैक्सिमम कैंडिडेट को शेयर कीजिए, क्योंकि जब भी है ना यहाँ पे क्या डेटा लगभग क्या 1 लाख के आसपास हो जाएगा, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट ने पेपर दिया है, एक डेटा 1 लाख हो जाएगा ना, उसके बाद क्या है जो रैंक प्रेडिक्ट ये है ना रैंक प्रेडिक्ट करेंगे, ठीक है। तो वो रैंक है ना ज़्यादा वेरी नहीं करती, मतलब पॉइंट भी वेरी करती है, बिल्कुल मतलब सेम सी रहती है, ठीक है दोस्तों। क्योंकि इसके लिए आपको क्या है बहुत बड़ा सैम्पल साइज बनाना है, तो इसके लिए आपके जो भी रिलेटिव दोस्त जिन्होंने भी पेपर दिया था उनको ये लिंक आप शेयर कर दीजिए, जिससे बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आए, तो और आपको ये बता दूँ कि प्लीज़ वीडियो को जिन्होंने भी लाइक नहीं किया लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, जिससे और ऐसे आने वाली वीडियो की आपको अपडेट मिलते रहे, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं ऐसी किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए पीस आउट।